नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम रेलवे के द्वारा उज्जैन इंदौर दोहरीकरण को उज्जैन की तरफ से शुरू करने का खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। लगभग 2-3 साल से इसका कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। फिलहाल में यह आधा भी नहीं पूरा हुआ है तथा क्षेत्र में ट्रेनों की संख्या बहुत कम चल रही है। इस पर जो नए प्रस्ताव क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा और ZRUCC तथा अन्य समिति सदस्यों के द्वारा दिए गए, इनके अलावा IRTTC टाइम टेबल कमेटी के द्वारा भी कुछ नई ट्रेनों के प्रस्ताव 2 साल से लंबित चल रहे हैं, इन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पर जब भी जनरल मैनेजर साहब से नई ट्रेनें चलाने संबंधी चर्चा की जाती है तो उनके द्वारा इस ट्रैक के संतृप्त यानी कि दबाव होने की वजह बताई जाती है एवं अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। उनका कहना है इंदौर उज्जैन के बीच ट्रैक पर इंदौर से देवास के बीच 150% के आसपास और देवास से उज्जैन के बीच 80% के आसपास दबाव है, इसलिए फिलहाल में कोई ट्रेनें नहीं शुरू कर सकते हैं तथा आने वाले समय में जब तक 2023 के अंत तक डबलिंग का कार्य पूरा नहीं होता तब तक इस क्षेत्र को नई ट्रेनों की सौगात मिलना काफी मुश्किल नजर आ रही है। समय समय पर विभिन्न ट्रेनों के नाम सामने आते हैं कि यह फलानी ट्रेन इस क्षेत्र से चलाई जा रही है, लेकिन वह नाम और प्रस्ताव केवल रेलवे बोर्ड के पास सुझाव के रूप में शोभा बढ़ाते रहते हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती क्योंकि पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के द्वारा यह मन में बिठा लिया गया है कि ट्रैक पर दबाव है, इस वजह से इस सेक्शन पर ट्रेनें नहीं चलाने देना है। ना ही उन्हें इंदौर दिल्ली के बीच में नई ट्रेन चलाने की कोई परवाह है, ना ही इंदौर देहरादून ट्रेन का एक्सटेंशन करने की या फिर इसको प्रतिदिन चलाने का कोई विचार है। पूर्व में इंदौर देहरादून ट्रेन और उज्जैन देहरादून ट्रेन दोनों ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की मांग समय समय पर की जा रही थी, लेकिन इस पर भी कोई कार्यवाही पश्चिम रेलवे के द्वारा अपनी तरफ से नहीं की गई। वहीं इंदौर हावड़ा को भी प्रतिदिन चलाने का भी प्रस्ताव काफ़ी पुराना है, लेकिन रेलवे के द्वारा शॉर्टकट बता दिया गया है कि वाराणसी या प्रयागराज से लोग दूसरी ट्रेनों से जाकर हावड़ा की ट्रेन पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को भी यह तर्क देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह हाल रतलाम से लगा के नीमच के बीच सेक्शन का भी है। क्षेत्र की कई ट्रेनों को जीरो बेस्ड टाइम टेबल की वजह से बंद कर दिया गया। बहुत सारी ट्रेनें अभी भी पुरानी जो चलती थी वह बंद पड़ी हुई है, लेकिन क्षेत्र के रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाने की ओर रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है। उनका पूरा फोकस जब तक कि दोहरीकरण नहीं हो जाता जब तक ट्रेन ना चलाने को लेकर है। वहाँ पर भी इसी तरह के तर्क रेलवे के द्वारा दिए जाते आ रहे हैं कि इस सेक्शन पर यातायात, मालगाड़ियों का दबाव और पैसेंजर ट्रेनों की संख्या जो सेक्शन की मांग है उसके हिसाब से कई ज्यादा है, इसलिए फिलहाल में कोई नई ट्रेन इस सेक्शन पे नहीं चलाई जा रही। लेकिन यह बात स्पेशल ट्रेनें चलाने के मामले में सामने नहीं आती है। रेलवे अपने फायदे को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें उक्त रूटों पर चलाता है, लेकिन हमारे इंदौर से कोई भी स्पेशल ट्रेन इस बार तक अभी घोषित नहीं की गई है, जबकि छुट्टियों का सीजन आते पर आकर खड़ा हो गया है और कई क्षेत्रों के जाने वाले यात्री लंबी वेटिंग का सामना करते हैं। लेकिन जब रेलवे के पास में एक अतिरिक्त रूट रतलाम, बड़नगर, फतेहाबाद, उज्जैन और इंदौर से फतेहाबाद होकर उज्जैन का आ चुका है तो इस सेक्शन पर ट्रेनें बढ़ाने संबंधी कार्य रेलवे क्यों नहीं करता है? क्योंकि अभी यह नया सेक्शन है, इसलिए फिलहाल में इस सेक्शन पर कम ट्रेनें चल रही पर आसानी से नई ट्रेनें चलाई जा सकती है। पूर्व में जो ट्रेनों के प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं उनमें से बहुत सारी ट्रेनें यात्रियों के लिए काफ़ी काम की सिद्ध हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे कब नींद से जागता है और यात्रियों को सुविधा देता है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।